दमन प्रशासन और आरोग्य विभाग द्वारा आज से 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन देना शुरू किया गया, जिसके चलते दमन के 3 सेंटरों जिसमें नानी दमन स्थित सार्वजनिक विद्यालय, दाबेल स्थित स्वामीनारायण स्कूल और भीमपुर स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक शाला में वैक्सीन देने का प्रबंध करने में आया। प्रथम दिन ही दमन में वैक्सीन लेने हेतु युवाओं में काफी उत्साह देखा गया और हर एक सेंटरों पर 18 प्लस लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने भी अपना नामांकन दर्ज करवा देते पोर्टल 18 मई तक फुल हो गया। ऊपर से यह सभी लोग प्रथम दिन से सूरत और गोलवड़ जैसे विस्तारों से वैक्सीन लेने हेतु दमन पहुंच गए थे, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटरों पर काफी तकलीफें खड़ी हो गई थी, परंतु दमन प्रशासन द्वारा स्थानियों को प्रथम लाभ देने की नीति अपनाते हुए स्थिति थोड़ी काबू में आई थी और बाहर से आए हुए सभी लोगों को वापस भेज दिया गया था। वैक्सीनेशन के लिए बाहर के लोगों का जमावड़ा दमन में न हो, इसके लिए कुछ समय के लिए दमन और गुजरात को जोड़ती चेक पोस्टों को भी बंद करने में आया था। हर एक वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके रेसिडेंशियल प्रूफ की जांच कर उन्हें वैक्सीन देने में आई थी। वहीं वैक्सीन देने के पूर्व सभी का रैपिड टेस्ट भी करने में आया था, जिसके बाद उन्हें कोविशील्ड का प्रथम डोज देने में आया था। दमन में 45 वर्ष या उसके ऊपर के आयु वाले लोगों को अन्य 5 केंद्रों पर प्रथम और दूसरा डोज देने की प्रक्रिया भी जारी रखी गई थी। जब ये 18 प्लस वाले लोगों के लिए अलग से 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें प्रतिदिन 750 जितनी वैक्सीन आवंटित की जाएगी। हाँ वो भी और आइडेंटिटी, हाँ वो भी कम आइडेंटिटी प्रूफ भी है ना वो।